हेलो गाइस माय नेम मैंने सिबू मिश्रा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये जो वीडियो होने वाला ये एक है हो कॉलेज रिव्यू है एंड आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बिट्स पिलानी को जो कि इंडिया के नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है एंड आज के इस वीडियो में हम इस कॉलेज के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे अगर एग्जाम्पल्स में बात करें तो हम इस वीडियो में हम बिट्स पिलानी के रैंकिंग्स के ऊपर बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन के ऊपर बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है बिट्स पिलानी में देन वो किन तरीकों से यहाँ पे एडमिश्स ले सकता है इसके अलावा बिट्स पिलानी के क्या फीस स्ट्रक्चर है प्लेसमेंट्स क्या क्या जाते हैं टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं एंड साथ ही साथ आपको बिट्स पिलानी में कौन कौन से कैंपस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं सो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में सो so ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 1929 में काफी पुराना कॉलेज है एंड लोकेशन की बात करें तो पिलानी राजस्थान में ये कॉलेज सिचुएटेड है इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये एक टाइप का प्राइवेट कॉलेज है एंड कैंपस एरिया का बात करें तो थ्री ट्वेंटी का, का काफी लस ग्रीन कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो काफ़ी टॉप नॉच है इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में कि आप इस कॉलेज तक पहुंचेगा कैसे सो अगर बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 186 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 218 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है एंड लोहारू जंक्शन रेलवे स्टेशन से यह ट्वेंटी फोर किलोमीटर के डिस्टेंस पे है इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स को लेके कि इस कॉलेज को कौन कौन से रैंकिंग से यहाँ पर दी गई है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सो अगर बात करें इसको एन ओवरऑल रैंकिंग में इसको थर्टी रैंकिंग दिया गया है जो कि ट्वेंटी का है इसके अलावा बात करें एन इंजीनियरिंग रैंकिंग में तो इसको ट्वेंटी रैंकिंग दिया गया है इसके अलावा बात करें एन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में तो इसको एटीन रैंकिंग दिया गया है एंड एन के रिसर्च रैंकिंग्स में इसको थर्टी रैंकिंग दिया गया है सो ओवरऑल हम सब रैंकिंग्स को देखें तो इस कॉलेज को काफ़ी

बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि क्या इस कॉलेज में वो ट्वेल्थ के बेसिस पे यहाँ पे यहाँ पे, पे एडमिशंस ले सकते हैं सो ऐसा नहीं है अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है देन आपको बिट सेट जो कि इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्लियर वहाँ पर करना पड़ेगा उसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है साथ ही साथ यहाँ पर ट्वेल्थ के परसेंटेज पर भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पहला तो ये अगर आप यहाँ पर बी कोर्स में जाना चाहते हो देन आपका जो ट्वेल्थ है पी से होना चाहिए एंड उसमें जो आपका एग्रीगेट मार्क्स है पी सी एम के मार्क्स की बात कर रहा हूँ वो आपका सेवेंटी फाइव परसेंट वहाँ पर होना चाहिए इसके अलावा आपके पी में एटलीस्ट अलग अलग इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ देन आपके फिजिक्स में सिक्सटी परसेंट होने चाहिए केमिस्ट्री में सिक्सटी परसेंट होनी चाहिए एंड मैथेमेटिक्स में आपके सिक्सटी मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल है एंड एग्रीगेट में आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स से यहाँ पे होने चाहिए सो ये कुछ एलिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है यहाँ पे एडमिशंस लेने के लिए इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर को, को लेके। मेरे हम सब बात करने वाले हैं कि बीटेक कोर्स जो कि फोर इयर्स का रहता है उसमें आपको यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग इसके अलावा इक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रोमेंटेशन इंजीनियरिंग मैन्यूक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड लास्ट में आपका मैकेकैनिक इंजीनियरिंग सो ये कुछ आठ ब्रांचेज हैं जो कि आपको यहाँ पर बीटे प्रोग्राम में ऑफर्ड की जाती हैं इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके जो कि जानना यहाँ पे जरूरी है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि वो बेडशीट में कितना मार्क्स लेके आए ताकि आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिल जाए सो so, यहाँ पे मैं आपको ब्रांच वाइज बताने वाला हूँ कि कितना मार्क्स आपका आएगा देन आपको कौन सा ब्रांच वहाँ पे मिलने वाला है ये जो मैं आपको कट ऑफ आप बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर में 2022 का है जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सके चाहे आपकी मनचाही ब्रांच वहाँ पर मिल सके सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ आप बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बिटसेट का जो एग्जाम होता है वो टोटल थ्री मार्क्स का होता है सो यहाँ पर जो भी आपको नंबर्स बताने वाला हूँ वो आउट ऑफ थ्री होने वाले हैं सो अगर आप पहले हम सब बात कर ले कि अगर आप मान लीजिए टारगेट करें सी ब्रांच को अगर आप बिट्स पिलाने में सीएससी ब्रांच में चाहते हैं देन आपके 319 हो 390 मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए मीनस तीन सौ उन्नीस के करीब में आउट ऑफ 390 देन आपके चांसेस यहाँ पे बनते हैं कि आप यहाँ पे सी एस ब्रांच में एडमिशन ले लोगे एंड अगर इस साल की बात करें तो आपको यहाँ पे 320 प्लस यहाँ पे स्कोर करके चलना पड़ेगा ताकि आपका सेफली यहाँ पे एडमिशन हो जाए इसके अलावा अगर, 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 अगर अदर ब्रांचेस की बात करें जैसे कि ई सी ब्रांच होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है एंड अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो देन देखिए टू एट्टी प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर करके आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा इसके अलावा अगर हम सब दूसरे ब्रांचेस की बात करें जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए आपको 262 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करके चलना पड़ेगा जो भी मैं आपको यहाँ पे मार्क्स बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि डिटो वही मार्क्स आपके आ जाएंगे लेकिन आपको इसके आसपास ही मार्क्स लेके आना पड़ेगा इससे ज्यादा ही लेके आना पड़ेगा तो चांसेस बनते हैं कि आप सेफली इन ब्रांचेस में एडमिशन ले पाओगे यहाँ पे मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए दिखाया कट ऑफ जिससे आपको ये आइडिया लगेगा रफली कि आपको कितने मार्क्स वहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे इसके अलावा अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर मैं मार्क्स की बात करूँ देन आपको वन मार्क्स पे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाता है एंड इसके अलावा मैनुफैक्चरिंग ब्रांच की बात करें जो कि लास्ट ब्रांच है देन आपको ये वन प्लस के मार्क्स पे मिल जाएगा सो ये बात हो कट ऑफ को लेकर मींस किस ब्रांच के लिए आपको कितना मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेगा उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात कर चुके हैं इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फीस को लेके जो कि इस कॉलेज को फीस के नाम से जाना चाहता है क्योंकि इस कॉलेज का जो फीस है काफ़ी ज़्यादा है अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मुकाबले सो आज की इस वीडियो में हम सब ये भी जानेंगे कि इतना ज़्यादा आपसे अगर फीस चार्ज किया जा रहा है दिन इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एंड अगर आपसे इतना फीस चार्ज किया जा रहा है देन प्लेसमेंट्स कैसी है इस कॉलेज की उसके ऊपर भी हम सब बात करेंगे सो वीडियो में बने रहिएगा सबसे पहले हम सब बात करेगा ट्यूशन फीस का देन इस कॉलेज का जो ट्यूशन फीस आपका लगने वाला है वो अराउंड लगेगा टू लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर सेमेस्टर मीनस दो लाख इकतीस हजार रुपए आपके लगेंगे पर सेमेस्टर का ये फीस है हाँ। <laughs>

लगते हैं एंड उसके पहले हम सब ये सब जान लेते हैं कि आपको इस कॉलेज में इतना फीस अगर चार्ज किया जा रहा है आपको पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है एंड किस बेसिस पे दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मीस जो बिडसेट एग्जाम होता है उसमें जो टॉप वन परसेंट स्टूडेंट आते हैं उनको हंड्रेड परसेंट ट्यूशन फी वेवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है मींस अगर आप बिटसेट का एग्जाम देते हो एंड टॉप वन परसेंट स्टूडेंट में अगर आप आते हो दैन आपको हंड्रेड परसेंट ट्यूशन फी वेवर देखने को मिलता है मीन जो आपका पर सेमेस्टर यहाँ पर लगने वाला था दो लाख इकतीस हज़ार रुपये वालकुल्लू माफ हो जाएगा बस आपको हॉस्टल एंड मेस फीस वहाँ पर देना पड़ेगा एंड अगर आप टॉप टू परसेंट स्टूडेंट्स में आते हो देन आपको फोटी परसेंट ट्यूशन फी वेवर देखने को मिलता है मीनस जितना भी आपका ट्यूशन फी लगने वाला था उसका चालीस आपका वहां पे माफ हो जाएगा एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा जितनी भी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल रही है ये सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो भी आपको यहाँ पर हॉस्टल एंडमेस फीस आपको पूरा यहां पे करना पड़ेगा एंड जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मीनस आपके पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल इनकम है पर ईयर में उसके हिसाब से एंड साथ ही साथ आपके मेरिट के हिसाब से भी स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है एंड अगर बात करें तो ऐसे थ्री परसेंट स्टूडेंट्स को एट्टी परसेंट तक का ट्यूशन फी ओवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स को फोर्टी परसेंट का ट्यूशन फी ओवर देखने को मिलता है ट्वेल्व परसेंट स्टूडेंट्स को ट्वेंटी फाइव परसेंट का ट्यूशन फी ओवर देखने को मिलता है एंड जो सिक्स परसेंट स्टूडेंट्स बचते हैं उनको फिफ्टीन परसेंट का ट्यूशन फी ओवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है सो ये कुछ टाइप्स की स्कॉलरशिप है काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके मेरिट के बेसिस पे इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स जो कि बच्चों के लिए जाना जरूरी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीस पे कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट्स यहाँ पर कैसा जाता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सो so अगर इस साल के हाइस्ट पैकेज का बात करें मीस तो ट्वेंटी ट्वेंटी तो टू से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के सेशन का देन जो हाइस्ट पैकेज है वो है सिक्सटी पॉइंट सेवन फाइव एल पी ए का जो कि एक डीन्ट पैकेज यहाँ पर माना जाएगा एंड अगर इसके एवरेज पैकेज का बात करें तो अराउंड थर्टी पॉइंट थ्री सेवन एल पी ए का है सो so, अगर एवरेज पैकेज भी देखें तो काफ़ी डिशेंट है काफ़ी गुड ट्रिपल आई से काफ़ी एन से भी बेटर है यहाँ पर एवरेज पैकेज गया है एंड अगर मीडियम पैकेज की बात करें तो थर्टी एल पी का है जो कि काफ़ी शानदार है अगर आप इसको कंपेयर करो तो इस एवरेज पैकेज को मीडियम पैकेज को किसी भी टॉप के एन से या ट्रिपल आई से तो भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि इस साल ये पर बहुत ज़्यादा चला गया यहाँ पे मीडियम पैकेज अगर लास्ट ईयर का भी मिला है तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर एवरेज पैकेज गया था वो अराउंड ट्वेंटी नाइन के करीब में था मीस यहाँ पे मेनटेड है कि आपका जो एवरेज पैकेज है एंड उसमें भी अगर बात करें सी एस सी ब्रांच का देन जो आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है सी एस सी ब्रांच का वो अराउंड ट्वेंटी नाइन एल पी ए के अबव ही जाता है सो so, प्लेसमेंट्स तो काफ़ी अच्छे माने जाएंगे एंड अगर आप पढ़ने में अच्छे हो अगर ध्यान लगाते हो अच्छे से पढ़ने में देन आप यहाँ से एक अच्छा प्लेसमेंट लेके निकल सकते हो इसके अलावा अगर बात करें सर जो नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की थी रिक्रूट करने के लिए तो अराउंड वन हंड्रेड नाइन कंपनीज यहाँ पर विजिट की थी एंड अगर बात करें टॉप रिक्रूटर्स का कि कौन कौन सी कंपनीज आप विजिट करती हैं तो उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो भी आप बड़ी कंपनी सोच सकते हो ऐसी कंपनीज़ जो कि एनआईटी से ट्रिपल आईटी से रिक्रूट करती है वो कंपनीज़ जाकर बिट्स पिलानी में भी यहाँ पर रिक्रूट करती हैं जैसे कि अगर एग्जांपल में बात करें तो गूगल है एडोबी है एमेजॉन है माइक्रोसॉफ्ट है फ्लिपकार्ट है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगी जो कि रिक्रूट करने के लिए यहाँ पे आती हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी रहती है जो कि मास रिक्रूटर रहती है जो कि एक साथ बहुत बच्चों को ले जाती है कम प्लेसमेंट में जैसे कि तीन लाख चार लाख पाँच लाख एंड ऐसी बहुत बड़ी 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 कंपनीज भी आती हैं जो कि बीस लाख तीस लाख चालीस लाख के भी पैकेज यहाँ पे देखे जाती हैं लेकिन हम सब जो ओवरऑल बात करें जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटेक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है सो जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो मास रिक्रूटर कंपनीज़ में वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं एंड अगर उसमें से कुछ जो है मेहनत करने वाले अच्छे से पढ़ते हैं देन वो एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि इस कॉलेज में ऐसा नहीं है कि कंपनीज आपको विजिट नहीं करती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज पे विजिट करेंगी एंड अगर आप उस लायक हो देन उस कॉलेज में आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में मिस बिट्स पिलाने में अगर आपसे इतना फीस चार्ज किया जा रहा है तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ये आपको इस कॉलेज में काफ़ी वेल इक्विप्ड एंड फुल्ली एयर कंडीशन लैब्स देखने को मिल जाएंगे एंड ये जो लैब्स रहते हैं ये अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सी एस लैब्स ऐसे बहुत सारे लैब्स आपको यहाँ पर इस कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे जो कि फुल्ली फंक्शनिंग रहते हैं एंड वेल इक्विप्ड आपको यहाँ पर लैब्स देखने को मिल जाते हैं इसके साथ ही साथ आपको कैंपस में काफ़ी एक ह्यूज लाइब्रेरी देखने को मिल जाएंगी जिसमें अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड प्लस बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टूडेंट्स के हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पर रहते हैं एंड ये जो लाइब्रेरी रहती है देर रात तक खुली रहती है जिसमें आप देर रात भी यहां पर पढ़ सकते हैं एंड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप पढ़ाई करते हो उससे रिलेटेड सारे बुक्स आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में मीन्स बिट्स पिलानी में आपको क्या क्या हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सो अगर सबसे सब पहले मैं बात करूँ तो बिट्स पिलानी में बॉयज के लिए छह हॉस्टल्स हैं एंड गर्ल्स के लिए दो हॉस्टल है अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको डबल शेयरिंग रूम में रहना पड़ेगा मींस एक रूम में दो बच्चे यहाँ पर रहेंगे एंड उसके अलावा अगर आप सेकंड ईयर या उससे बाद के ईयर में हो देन आपको यहाँ पर सिंगल रूम अलॉट हो जाता है इसके अलावा जितने भी रूम्स रहते हैं उसमें जो बेसिक चीजें रहती हैं जैसे कि आपके टेबल चेयर सीलिंग फैन कबड बेड ये सारी चीज़ें आपको पहले से रूम में प्रोवाइड की जाती हैं इसके साथ ही साथ जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें वाटर हीटिंग सिस्टम्स हैं साथ ही साथ आपके जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें कॉमन रूम आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें टी की फैसिलिटी है मीनस आप टी देख सकते हो साथ ही साथ आपको बहुत सारे इस कॉमन रूम में इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाती है जैसे कि कैरम हो गया चेस हो गया टेबल टेनिस हो गया इसके अलावा आपको कैंपस में हॉस्टल के आपको वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी देखने को मिल जाएगा मीस ये जो इंडोर गेम्स एंड बैडमिंटन है ये सारी गेम्स आपको पहले से हॉस्टल्स में प्रोवाइड की जाती है इसके साथ ही साथ सारे ही हॉस्टल्स में आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं मेस फैसिलिटीज़ के बारे में मीस बिट्स पिलानी का मेस में क्या क्या, क्या, क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ये कि मेस इज क्वाइट डिसेंट मीनस मेस जो है काफी क्वाइट क्वाइटीट माना जाएगा क्योंकि मेस जो है काफी साफ सुथरा रहता है एंड अच्छे से वेल मेंटेंड रहता है एंड अगर बात करें फूड को लेकर देन बिट्स पिलानी में आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही फूड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा आपको कैंपस में भी नाइट कैंटीनस की सुविधा मिल जाती है जो कि काफ़ी देर रात तक यहाँ पर खुली रहती है इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि बिट्स पिलानी के कैंपस में आपको पंद्रह हज़ार स्क्वायर फीट का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है एंड वो क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझा देता हूँ पहला तो इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको ए देखने को मिल जाएंगे बैंक देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्टेशनरी शॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा रेस्टोरेंट बेकरी ब्यूटी पार्लर मेन के लिए अलग एंड वुमेन के लिए अलग इसके साथ ही साथ मेडिकल शॉप जूस कॉर्नर फूड एंड वेजिटेबल्स डेयरी पार्लर मीनस जितनी भी आपके बेसिक नीड की जो चीज़ें रहती हैं वो सारी ही आपको वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे मिल जाएंगी सो अगर कैंपस में अगर बच्चे रहते थे तो उनको खाने पीने की या कोई भी बेसिक नीड्स की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली है सो एक बात मेरे को अच्छा लगा कि आपको कैंपस में सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया बिट्स पिलाने में बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लिए जा रहे हैं लेकिन उसके जगह पर आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है सो so, अगर बात करें बिट्स पिलानी का तो ये कॉलेज जो स्पोर्ट्स में कैसे पीछे हो सकता है यहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स में चाहे वो आउटडोर गेम्स हो या इंडोर गेम्स हो सारी गेम्स आपको अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है अगर आउटडोर गेम्स की बात करें तो उसमें आपका फुटबॉल है क्रिकेट है वॉलीबॉल है बास्केटबॉल बैडमिंटन हॉकी एट्सट्रा ऐसे बहुत सारे आउटडोर गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा अगर बात करें इंडोर गेम्स का जो कि आपके हॉस्टल्स में कॉमन रूम्स रहते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो कैरम है टेबल टेनिस है चेस है बिलियाड्स है एट्सेट्रा ऐसे बहुत सारे इंडोर गेम्स आपको हॉस्टल के कॉमन रूम्स में देखने को मिल जाएंगे सिर्फ कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की भी कोई कमी यहाँ पे नहीं है इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं जिमनेजियम का सो यार इस कॉलेज में आपको काफ़ी वेल इक्विप्ड एंड काफ़ी बड़ा जिमनेजियम देखने को मिल जाता है एंड अगर बात करें तो बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग यहाँ पर जिम्स देखने को मिल जाएंगी एंड ये जो जिम है इतना बड़ा है कि आपके सत्तर से अस्सी बच्चे आराम से एक बार में यहाँ पर जिम कर सकते हैं इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं क्लब्स के बारे में सो so, बिट्स पिलानी में हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्लब्स हैं जो कि क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जैसे कि डांस क्लब है म्यूजिक क्लब है पेंटिंग क्लब फोटोग्राफी क्लब ड्रामेटिक्स क्लब डिज़ाइन क्लब आर्ट क्लब फैशन क्लब स्पोर्ट्स क्लब क्विज क्लब एटेट्रा ऐसे बहुत सारे क्लब्स आपको देखने को मिल जाएंगे ये ऐसे क्लब्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए रहते हैं एंड स्टूडेंट्स द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं सो ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं या लेने का सोच रहे हैं दैन वैसे बच्चों को यहाँ पर क्लब्स में जुड़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर सीखने को मिलता है इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट का जो कि ये फेस्ट मिसिस कॉलेज में यार कौन कौन से फेस्ट कराए जाते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो ओएसिस जो कि इस कॉलेज का कल्चरल फेस्टिवल है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पे माना जाता है जो कि बिट्स पिलानी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है इसका नाम जो है ओएसिस है इसके साथ ही साथ बी जो कि यहाँ का स्पोर्ट्स फेस्ट आप मान सकते हैं जो कि बिट्स पिलानी का स्पोर्ट्स फेस्ट है जिसमें आपका काफ़ी सारा आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स के कॉम्पिटिशन वहाँ पर कराए जाते हैं इसके अलावा आपको बिट्स पिलानी के कैंपस में काफ़ी टेक्निकल फेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो ये कुछ फेस्ट हैं एंड अगर बात करें फेस्टिवल का तो काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे आकर परफॉर्म करते हैं इनके कल्चरल फेस्टिवल में काफ़ी बढ़िया आपका यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है सो so, ये बात हो गया ओवरऑल ब्रिट्स पिलानी के बारे में जहाँ पे मैंने बिट्स पिलानी से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है जो भी आपको जानना है यहाँ पे जरूरी था अगर आपको फिर भी मन में कोई भी डाउट है बिट्स पिलानी से रिलेटेड देना मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अगर आप ऐसे ही डिटेल कॉलेज रिव्यू किसी और कॉलेज के ऊपर चाहते हैं देना मुझे कमेंट में बता सकते हैं सो so, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू